हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए काफी मजेदार मूवी लेकर आई हूँ। और थॉमस नाम के लड़के की ये कहानी है जिसे साइकिक पावर्स रहते हैं। मरे हुए लोगों को या फिर आने वाले संकट के बारे में उसे पता चल जाता था। कैलिफोर्निया के छोटे से टाउन में वो रहता था। एक सुबह अचानक से उसके दरवाजे पे एक लड़की की आत्मा आती है और वो चुपचाप कहीं पे चली जाती है, तो ये भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो आत्मा उसे लीड करती है हार्लो नाम के एक आदमी के पास। जैसे ही हार्लो सामने आता है, वो लड़की और को छूती है और उसके साथ क्या हुआ था उसके विजन्स और को आते हैं। दरअसल उस लड़की के ऊपर हार्लो ने जबरदस्ती की थी। ये सुन के और बहुत ही इमोशनल होता है, लेकिन वो उस आदमी को कन्फ्रंट करता है और वैसे ही हार्लो भागने लगता है वहाँ से। काफी चेसिंग और फाइट सीन के बाद और उसे पकड़ लेता है और पुलिस चीफ पोर्टर वहाँ पे आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे पुलिस चीफ पोर्टर और के बीच में काफी अच्छा रिलेशन था। चीफ को पता था और के पास कोई गिफ्ट है। दोस्तों, यहाँ और का नाम और क्यों पड़ता है हमें आखिरी में पता चलता है। उसके बाद हम और की क्यूट सी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम स्टॉर्मी था। और को अचानक से बिना चेहरे के लोगों के कुछ विजन्स आते हैं। वो लोग उसे कहीं पे लेके जा रहे और हमें बचाओ ऐसे मिन्नतें कर रहे थे इसके पास, लेकिन अचानक से कोई गन वाला आदमी आता है और इन सबको एक एक करके मार डालता है। वैसे ही अचानक से ये अपने सपने से उठता है, लेकिन वो बेचैन रहने लगता है कि इतने सारे 15-20 लोगों को कौन मार सकता है, छोटा सा ही तो टाउन है। इसी सोच में वो अपने जॉब पे निकल जाता है। अगले दिन वो एक मॉल के कैफे में कुक था। वहीं पे स्टॉर्मी और ऑफिसर पोर्टर आते हैं। इन दोनों के मिलने के बाद कैफे में एक अजीब सा आदमी आता है जिसका नाम था रॉबर्ट रॉबर्टसन, जिसके इर्द गिर्द काफी सारे बोडॉश थे। ये दरअसल हेल के क्रिएचर थे जो किसी खास इंसान को ही दिखाई देते थे, जैसे कि ऑड। और ये इन लोगों के इर्द गिर्द घूमते थे जिनकी बहुत ही जल्दी बुरी तरीके से मौत होने वाली है। बोडॉश का दिखना यानी वॉयलेंस और खून खराबे के साथ मौत, और जितने ज्यादा ये क्रिएचर दिखेंगे उतनी ही दर्दनाक मौत होगी। उन्हें पता होता है कि वो इंसान मरने वाला है, इसीलिए उसके आसपास वो मंडरा रहे थे और उसी के मौत को देखने के लिए डारा डाल के बैठ जाते हैं। लेकिन उन्हें अगर पता चल जाए कि कोई इंसान यानी और जैसा कोई भी इंसान इनको देख सकता है, तो पहले तो वो उस इंसान को ही मार डालेंगे। इसीलिए और इनके आने से डरता है, लेकिन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब उस इंसान के आसपास इतने सारे बोडॉश मंडरा रहे थे, इसीलिए ये बेचैन होता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी और की कली वॉला उधर आती है और उसे बताती है कि उसे एक अजीब सा सपना आया था। कहा था कि वो खुद और एक दूसरे आदमी की मौत हुई है, और कोई साधारण मौत नहीं, हर जगह खून फैला हुआ है। पहले तो और इस बात को साधारण समझ के ताल देता है, लेकिन वॉला जब दूसरे आदमी के बारे में बताती है तब और चौंक जाता है, क्योंकि ये वैसे ही लोग थे जैसे और के सपने में आए थे। अब ये सारा मामला सुलझाने के लिए वो जो आदमी था जिसके आसपास बोडॉश थे उसका पीछा करेगा। उस आदमी का पहरा और सर पे अजीब तरीके से बाल के कारण और उसे फंगस बॉब ऐसा पेट नेम देता है। फंगस बॉब अपने घर जाने के बाद वहाँ से भी निकल जाता है, और तभी और उसके घर में ब्रेक इन करता है, कुछ चीजें ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये घर नहीं था, पूरा का पूरा कबाड़ खाना था। एस्ट्रे देख के यही लगता है कि फंगस बॉब के साथ और भी लोग थे। और को एक ड्रॉवर में कुछ मास किलिंग के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और सामने ही कैलेंडर था जिसपे हर तारीख पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन 15 तारीख यानी कल के दिन क्रॉस किया हुआ था, यानी उस दिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। अचानक से एक रूम में आवाज आती है, और दोस्तों अचानक से आसपास का पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज होने लगता है। डर के वो उस रूम में जाता है जहाँ कई सारे पंछी कैद थे, और एक जगह पे होल बनने लगता है और भारी संख्या में बोडॉश वहाँ पे आने लगते हैं। दोस्तों, दरअसल ये हेल का गेट था जो इस रूम में ओपन होता है। वो काफी डर जाता है और वो एक जगह से चुपके से निकल जाता है। उसने वो एक फाइल ली थी मास किलिंग की, यानी कुछ बहुत ही बड़ा संकट ये आदमी टाउन पे लाने वाला है। मे बी ये सीरियल किलर है, क्योंकि देख के तो उसे वही लगता है। इसीलिए फिर वो चीफ के घर जाता है सीधा, वो फाइल देता है, कहता है कि ये फंगस बॉब पे नजर रखने के लिए। अब चीफ एंड इसका बाप बेटे का रिलेशन था, इसीलिए वो राजी हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस रिकॉर्ड ये लोग चेक करते हैं, लेकिन वो बंदा क्लीन था, और अपने ही दूसरे ऑफिसर को फंगस बॉब पे नजर रखने के लिए कहते हैं, और को दिलासा देते हैं कि अगर कुछ भी मिला तो उसको अरेस्ट करेंगे। और तभी हमारी मुलाकात ऑफिसर एकल और उसकी गर्लफ्रेंड लिसेट से होती है। इसके बाद और स्टॉर्मी के साथ शाम को डिनर करने के लिए उनकी फेवरेट जगह चर्च के टावर पे जाता है, लेकिन बात करते समय ही और को वहाँ पे फंगस बॉब आते हुए दिखाई देता है। वो काफी गुस्से में था और इसी की तरफ देख रहा था, इसीलिए ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। और की साइकिक पावर के कारण दोनों भी जाने अनजाने में एक मॉल के बॉलिंग प्लेस के यहाँ पे आते हैं। पहले तो वो काफी हैरान होता है, लेकिन उसे रियलाइज
रियलाइज होता है कि ये उसकी पावर है। वो जब अंदर जाता है तब उसे बॉलिंग प्लेस के लोग दिखाई देते हैं, जो स्टाफ था। दोस्तों उनके यूनिफॉर्म वही थे जो उसके सपने में आए हुए लोग थे। इस प्लेस पे आने के बाद से और को कुछ अचानक से हो जाता है, वो काफी कमजोर महसूस करने लगता है, यानी यहाँ पे कुछ तो भयंकर होने वाला है। लेकिन इन लोगों के आसपास कोई भी बोडोच मंडरा नहीं रहा था, इसीलिए वो कंफ्यूज होता है। वो वापस अपने पुलिस चीफ पोर्टर को कॉल लगाता है और उनका एक ऑफिसर को यहाँ पे तहकीकात करने के लिए कहता है। तो वहाँ पे कुछ समय के बाद आता है ऑफिसर साइमन। साइमन ऑड पे ही भड़क उठता है कि तुम कब से गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। फंगस बॉब के घर पे मैं गया था, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट वो घर पे आया ही नहीं है जब से मैं गया हूँ। अब तुम इस प्लेस की तलाशी लेने के लिए कह रहे हो। इन सब ने उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चलता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसका गुस्सा रोकने के लिए और ध्यान कहीं और खींचने के लिए स्टॉर्मी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसके हाथ में एक टैटू था जिसपे POD लिखा हुआ था। वो उसके बारे में पूछती है तो साइमन हंसते हुए उस बात को टाल देता है। यहाँ पे ऑड को समझ नहीं आ रहा था कि शहर में ऐसा क्या होने वाला है जिसे इतनी बेचैनी उसे हो रही है। पहले तो उसका सपना, फिर वोला का मरने का सपना, फिर उसे फंगस बॉब दिखने लगता है जिसके आसपास काफी सारे बोडोच थे। अब ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वो दोनों भी वोला के घर पे जाते हैं और उसके सपने के बारे में पूछते हैं। वो हर एक चीज बारीकी से डिस्क्राइब करके उसे बताती है और काफी डरता है। उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द इस पूरे टाउन से बाहर निकलो अपने दोनों बेटियों को लेके, और तुम अपने दादी के पास जाओ, लेकिन दादी को भी मत बताना कि तुम आ रही हो। और वो इसकी दोनों बच्चियों को देखने जाता है ऊपर के फ्लोर पे, जहाँ पे दोस्तों काफी सारे बोडोच मंडरा रहे थे, और ये जानबूझ के उनको इग्नोर करता है ताकि उनको पता ना चले। ये दोनों भी वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में एक जगह पे दोनों भी रुक जाते हैं। तभी अचानक से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। ये लड़की लिसेट थी और उसके पीछे खूनखार डॉग्स पड़े हुए थे। अपनी जान बचा के वो बेचारी भाग रही, लेकिन अचानक से कोई गोली चलाता है उन डॉग्स को मारने के लिए, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली बेचारी लिसेट को लगती है और वो उधर ही गुजर जाती है। ये दोनों भी वापस क्राइम सीन पे आ जाते हैं और वहाँ से फिर चीफ पोर्टर आता है और उसे भी लिसेट को देख के काफी शॉक होता है, क्योंकि आज दोपहर को ही वो उनसे मिली थी, लंच किया था और अचानक से 6-7 घंटों के बाद वो गुजर गई और उसे किसी ने किडनैप किया था। फिर और चीफ को पता था कि दरअसल वो डॉग जो इसके पीछा कर रहे थे वो फंगस बॉब के घर पे भी उसने देखे थे। तो चीफ पोर्टर अपने सारे लोगों को कैसे भी फंगस बॉब को ढूंढने के ऑर्डर्स देते हैं और ऑड और स्टॉर्मी को वो घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन घर जाने से पहले ऑड चीफ को एक बहुत बड़ा लॉकेट देता है और जबरदस्ती उन्हें पहनने के लिए कहता है और फिर स्टॉर्मी को छोड़ने के बाद अपने घर चला आता है। घर में तो और ही अलग सरप्राइज था। बाथरूम में उसे फंगस बॉब की लाश मिलती है और उसके शरीर से पता चलता है कि ये कम से कम 8-10 घंटे पहले किसी ने इसका मर्डर किया है। और दोस्तों तब मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पे जब ऑड ने पुलिस को बताया कि फंगस बॉब कुछ अजीब इंसान है, उसके ऊपर नजर रखो, तो पुलिस इसके घर पे गई, तलाशी लेने लग गई, जिसके कारण फंगस बॉब के साथियों को एज ये थ्रेट लगने लगा और उन्हीं लोगों ने इसको मार डाला है। यानी अगर इसके साथी जिंदा है तो कल का संकट अभी तक टला नहीं है। इसीलिए फिर वो एक प्लान बनाता है। फंगस बॉब की उस लाश को वो अबैंडन मिल में डालता है और वापस आ जाता है। जब वो शहर में वापस आता है दोस्तों, तब हजारों संख्या में उसे बोडोच दिखते हैं। शहर के हर एक घर के आसपास वो मंडरा रहे थे, यानी कल के डिजास्टर का मैग्नीट्यूड काफी बड़ा है, शायद पूरा शहर नष्ट होगा। यहाँ पे दूसरी तरफ चीफ पोर्टर के घर पे कोई एक इंसान आता है और उन्हें शूट करके भागता है। अब ये सुनने के बाद ऑड जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तभी उनकी वाइफ बताती है कि ऑड के लॉकेट के कारण ही ये गोलियां दिल के साइड से निकल गई है। पोर्टर अभी जिंदा है लेकिन काफी सीरियस कंडीशन में, उनको ऑपरेशन चल रहा था। अब इन सब गड़बड़ी में ऑड काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो क्लू ढूंढने के लिए फाइनली वापस बॉब के घर पे जाता है। वहां जाने पर वो इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करता है, जिसमें उसे ब्लैक मैजिक, डेविल, सरानिक वेबसाइट ऐसे कुछ डिटेल मिलते हैं। उसे लगता है कि ये जो भी जितने भी लोग हैं वो दरअसल हेल का दरवाजा यहाँ पे खोलने वाले हैं, जिससे कई सारे डीमंस धरती पे आएंगे और बुरी तरीके से लोगों को मारेंगे। लेकिन आगे ही उसे फिर मूविंग वैन और एक्सप्लोजिव की रिसीट मिलती है। उसके बाद उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है किचन से, इसीलिए वो उसी दिशा में जाने लगता है। मतलब यहाँ पे पता है हमें कि सामने खतरा है, लेकिन फिर भी जाना है। चलो फिर हम देखते हैं इसका आ बैल मुझे मार का एक्ट। वो अंदर जाता है, फ्रिज से आवाज आ रही थी इसलिए फ्रिज खोलता है, तो उसमें उसे इंसान की उंगलियां, उनके दांत, शरीर के बाकी पार्ट्स दिखते हैं। और जब फ्रिज बंद करता है तभी साइड में रहता है फंगस बॉब का आत्मा और वो गुस्से में और के ऊपर अलग अलग तरीके से हमला करने लगता और सिलेंडर के थ्रू घर का ब्लास्ट करने ही वाला था, लेकिन और तभी भाग जाता है। भागने से पहले और एक चीज नोटिस करता है, फंगस बॉब के शरीर में जहाँ पे गोली लगी थी वहाँ पे कुछ एक अजीब साइन दिखता है। अब वो साइन क्या था
था एग्जैक्टली वो ढूंढने के लिए वो वापस मिल में चला जाता है जहाँ पे उसका शरीर ऑलरेडी डीकम्पोज होने लगा था। दोस्तों जहाँ उसे गोली लगी थी वहाँ पे POD लिखा हुआ था, यानी सेम टैटू मिलता है और सारी गुत्थी खुलने लगती है। POD यानी प्रिंस ऑफ डार्कनेस, ऐसा सेम टैटू ऑफिसर साइमन के हाथ पे था। और यहाँ पे मूवी का सेकेंड प्लॉट रिवील होता है, यानी बॉब का जो साथी था वो साइमन ही है। जब दोपहर को पहली बार रॉड ने चीफ पोर्टर को पहली बार फंगस बॉब के बारे में बताया था तब साइमन भी वहाँ था अंदर। उसे पता चल जाता है कि बॉब के किसी गलती के कारण ही अब पुलिस उसके ऊपर नजर रखने वाली है, इसीलिए वो बॉब को मार डालता है। अगला दिन आता है, सुबह सुबह वो स्टॉर्मी से मिलता है एंड उसे शहर छोड़ के जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती कि अगर तुम हो तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, और वो निकल जाती है अपने काम पे। फिर ये भी थोड़ी देर के बाद मॉल में चला जाता है बैक डोर से, जहाँ उसे ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर की कार दिखाई देती है। जब वो अंदर जाता है तब हम देखते हैं कि ऑलरेडी सिक्योरिटी को किसी ने मार डाला है और किसी पुलिस ऑफिसर ने मास्क पहना हुआ है, तो ये भी बेसबॉल से उस आदमी को मार के बेहोश करता है। उसका मास्क जब निकलता है तब पता चलता है कि ये साइमन नहीं था, ये ऑफिसर एकल्स है। यानी टोटल ये तीन पार्टनर थे, साइमन, एकल्स और बॉब। फिर वो एकल्स की पिस्तौल लेता है और साइमन को ढूंढने के लिए जाता है। और दोस्तों यहाँ पे उसे वोला दिखती है। वो पहले तो भड़क जाता है कि तुम यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं हो, जल्द से जल्द बाहर जाओ, जो तुम्हारा सपना है वो यहाँ पे सच होने वाला है। और धीरे धीरे उसे वोला के सारे सपनों के डिटेल्स याद आते हैं कि यहाँ पे बॉलिंग्स के लोग बैठे हुए, टीवी पे फुटबॉल की मैच चल रही है, फाउंटेन से पानी आ रहा है। और दोस्तों उसी के साथ अचानक से एक लड़की की चीख सुनाई देती है, एक आदमी अंधाधुंध लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहा था ऑटोमेटिक वेपन से। मॉल के गेट्स भी बंद हो जाते, ये उस आदमी को अपनी पिस्तौल से मारने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों तभी कई सारे बोडोस अचानक से ऑड के ऊपर हमला करते हैं उसे रोकने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का नेक्स्ट प्लॉट रिवील होता है। बोडोस को काफी समय से पता था कि ऑड उन्हें देख सकता है, और अगर वो पहले ही हजारों संख्या में मॉल के लोगों के आसपास मंडराते जैसे पिछले दिन, तो ऑड हर तरीके से आने वाले संकट को टालने की कोशिश करता है। इसीलिए वो उसे मैनिपुलेट करते हैं और सिर्फ एक इंसान को पिक करते हैं, यानी फंगस बॉब को, और उसके आसपास ही मंडराते हैं। और ऑड फिर उसके पीछे जाने लगता है और उसे बड़े से संकट के बारे में पता ना चले। लेकिन ऑड सिर्फ इन क्रिएचर के ऊपर डिपेंड नहीं, ऑड के पास काफी स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर थी जिससे वो निगेटिविटी और मौत को भी आने से पहले देख लेता है, और उसी के कारण उसे बॉब, साइमन और इलेट का प्लान भी पता चल जाता है। सो बैक टू स्टोरी, अब कैसे तैसे ये गनमैन की तरफ पहुंचता है और उसे मार डालता है। फिर ऑड उसका मास्क निकालता है देखने के लिए कि ये साइमन होगा, लेकिन दोस्तों वो साइमन नहीं था, वो आदमी वही था जो लिसेट को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको याद होगा वो गलती से डॉग को मारने के बजाय लिसेट को ही मार बैठता है, यानी इसके ग्रुप में चार मेंबर्स थे। मॉल के सारे लोग शॉक में ऑड को देख रहे थे, लेकिन सामने ही आइसक्रीम शॉप था जहाँ पे स्टॉर्मी काम करती थी। ऑड की आंखें स्टॉर्मी को ढूंढने लगती है और सामने ही उसे थोड़ी देर के बाद स्टॉर्मी दिखाई देती है और वो खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों संकट अभी भी टला नहीं था, उसे वो निगेटिविटी फील हो रही थी। और दोस्तों तभी वहाँ पे लिसेट का स्पिरिट आता है, वही लड़की, और वो उसे एक डायरेक्शन में पॉइंट करने लगती है जहाँ पे बड़े बड़े स्टोरेज रूम रहते हैं, वहाँ पे ये भाग के चला जाता है। और दोस्तों यहाँ पे असलियत सामने आती है और मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है। यहाँ पे एक वैन में बहुत ही बड़ी मात्रा में काफी सारे एक्सप्लोजिव थे और उसके ऊपर एक टाइमर भी था। यानी यही इन चारों का प्लान था कि पहले तो मॉल में सारे लोगों को लॉक कर देंगे, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और उसके बाद पूरे मॉल को उड़ा देंगे। वीकेंड में वैसे काफी लोग मॉल आए रहते हैं, आधा शहर तो इधर ही मर जाएगा। और उस वैन को कहीं और लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बोडोस ये नोटिस करता है और वो आसपास ही ऑफिसर साइमन था, उसके शरीर में घुस के उसे पजेस करता है और ऑड को शूट करने लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे बोडोस के बारे में बताया था, वो दर्दनाक मौत को एंजॉय करते हैं, उसी पे वो फीड करते हैं। लेकिन अगर ऑड उस वैन को कहीं और लेके जाएगा तो ब्लास्ट नहीं होगा, इसीलिए वो साइमन को पजेस करके ऑड को मारने की कोशिश करते हैं। ऑड को कई सारी गोलियां आसपास से छू के निकल जाती हैं, लेकिन वो ट्रक को लेता है और मॉल के बाहर आके बहुत ही तेजी से कैनल की ओर बढ़ता है, और ब्लास्ट होने से पहले ही वो जंप आता है। उसके बाद बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव का ब्लास्ट होता है जिसमें सर साइमन मारा जाता है। नहीं नहीं दोस्तों, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों को ऑड ने बचाया था। सो दो चार दिन के बाद ऑड हॉस्पिटल में उठता है, उसके साइड में स्टॉर्मी थी। उसे होश आने के बाद उसे जब रिलीज करते हैं तब वो लोकल हीरो बन गया था, लेकिन उसे रिपोर्टर से दूर रहना था, इसीलिए कई रोमांटिक दिन वो स्टॉर्मी के साथ उसके घर में गुजारता है। लेकिन कुछ एक हफ्ते के बाद पोर्टर, उसकी वाइफ और वोला उधर आती है और उसे कहती है कि इट्स टाइम। और दोस्तों तभी मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है कि स्टॉर्मी दरअसल उस गन फायरिंग में ही ऑलरेडी गुजर गई थी, और ये बात खुद ऑड भी जानता था। जिसे वो अभी तक देख रहा था वो दरअसल स्टॉर्मी का स्पिरिट था। आखिरी के कुछ दिनों
दोनों एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। और दोस्तों आज फाइनली ऑड उसका स्पिरिट रिलीज कर देता है और उसे फाइनली गुड बाय कहता है। सो दोस्तों ये चार जो लोग थे, फंगस, बॉब, साइमन और वो आदमी, वो काफी यंग समय से ही कर्ल्ड ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे। कई लोगों को इन्होंने पास्ट में मारा भी था। लोगों के मौत को वो एंजॉय करते थे। इनमें से ही फिर साइमन और एलिट पुलिस ऑफिसर बनते हैं ताकि हमेशा वो खुद क्लीन रह सके और अगर इनके खिलाफ कोई प्रूफ आता भी है तो उसे आसानी से मिटा सके, जैसे फंगस बॉब को मिटाया। लेकिन साधारण किलिंग से उन्हें मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए चारों मिलके पूरे मॉल को उड़ाने का सोचते हैं। लेकिन साइमन की गर्लफ्रेंड लिसेट को उसके गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे उसे पता चल जाता है उसके प्लान के बारे में। इसीलिए वो लिसेट को किडनैप करता है और बॉब के घर पे रखता है और जब वो भागती है तब उनके ग्रुप का दूसरा आदमी उसे मार डालता है। सो ये थी ऑड थॉमस की कहानी। दरअसल ऑड का नाम ऑड की जगह टोड था, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में जब ये सर्टिफिकेट बनाने गया था तब टॉड का ऑड हो गया। मतलब ये रीजन मूवी में बताया गया है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।